हेलो क्लास, मैं डॉक्टर स्वप्निल चौधरी आपका अनुमान प्रमाण के इस लेक्चर में सहर्ष स्वागत करता हूँ। दोस्तों, पीजीसीईटी में प्रमाण चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसके ऊपर एमसीक्यू आ सकते हैं। इसलिए हमने जब प्रत्यक्ष प्रमाण पढ़ा तो उस पर क्या एमसीक्यू आ सकते थे ये हमने बताया। दोस्तों, प्रत्यक्ष प्रमाण के बाद अब हम जो देखने वाले हैं उसका नाम है अनुमान प्रमाण। क्या नाम है इसका? अनुमान प्रमाण। देखो, चार्वाक के अलावा बाकी सभी दर्शनकारों ने, आयुर्वेद के साथ सभी दर्शनकारों ने अनुमान प्रमाण का स्वीकार किया है। सिर्फ चार्वाक ही ऐसा दर्शन है जो प्रत्यक्ष प्रमाण को मानता है। अगर प्रत्यक्ष प्रमाण को प्रत्यक्ष ज्ञान का साधन माना जाए तो अनुमान प्रमाण को अनुमिति ज्ञान का साधन माना जाता है। इसीलिए इसको त्रिकाल ज्ञान देने वाला प्रमाण भी कहा गया है। देखो, जो त्रिकाल ज्ञान देने वाले जो जो प्रमाण है उसमें से अनुमान प्रमाण भी एक है। युक्ति प्रमाण उसके साथ है और आप्तोपदेश भी है, जो आपको भूत भविष्य और वर्तमान का ज्ञान देता है। अभी अगर वर्तमान में एखादी वस्तु कैसी है ये हमें प्रत्यक्ष ज्ञान से समझती है, तो अनुमान से ये भूत में कैसी थी और भविष्य में भी कैसी रहेगी इनका ज्ञान हमें होता है, ये रहेगा अनुमान प्रमाण। इतना बेसिक आप ध्यान में रखो। इसके बाद हम अब प्रॉपर निरुक्ति के साथ इसकी शुरुआत करेंगे। आने वाले एक एक एमसीक्यू मैं आपको बताता हूं। देखो, इसकी निरुक्ति है अनुपश्चात मियते जायते इति अनुमानम। चक्रपाणी का यह श्लोक है। अनुपूर्व हेतु दृष्टा पश्चात मियते इति अनुमानम, ऐसा भी एक इसका श्लोक है। अर्थात प्रथम हेतु देख के उसके पश्चात उसके आधार पर अप्रत्यक्ष विषय का ज्ञान अगर कुछ प्रमाण से प्राप्त होता है तो उसे हम अनुमान प्रमाण कहते हैं। इसका लक्षण क्या है? अनुमानम खलु तर्क युक्ति अपेक्षा। देखो, जो श्लोक मैंने अंडरलाइन किए हैं इसको आपको ध्यान से पढ़ना है, इसके ऊपर एमसीक्यू आ सकते हैं। एन अनुमीयते तद अनुमानम, अनुमिति करणम अनुमानम। अनुमिति का जो साधन है, करण है, उसे ही अनुमान कहा गया है। पहला श्लोक है अनुमानम खलु तर्क युक्ति अपेक्षा, अर्थात युक्ति के आधार पर जो तर्क किया जाएगा उसे अनुमान कहते हैं। उसके लिए मैं आपको, देखो दोस्तों, एक उदाहरण बताता हूं। अगर आप खेत में जाते हो और खेत में मिट्टी गीली लगती है तो आप अनुमान लगा सकते हो या तो बारिश हुई है या किसी ने यहां पानी डाला है, समझे? तो बारिश हुई है या पानी डाला है यह अनुमान आपने युक्ति के आधार पर किया, ये तर्क किया, इसलिए उसे क्या कहा गया है? अनुमान कहा गया है। और जिसकी वजह से, जिस प्रमाण की वजह से वो हुआ है उसे अनुमान प्रमाण कहा गया है। तो इन बेसिक आपको अनुमान प्रमाण क्या है यह समझ में आ गया होगा। और इसका एक मैं अच्छा उदाहरण आपको देता हूं कि यथा अग्नि जरण शक्त्या बलम व्यायाम शक्त्या। मतलब जरण शक्ति के आधार पर जाठर अग्नि का आपको पचन कैसा हो रहा है इसमें से पता चलेगा कि आपके शरीर का अग्नि कैसा है, आपके शरीर में बल कितना है, यह आप व्यायाम कैसे करते हो इस पर डिपेंड होता है। इसलिए आपकी व्यायाम शक्ति के आधार पर आपके बल का अनुमान लगाया जा सकता है, समझे? इसलिए इसे क्या कहा गया है? अनुमिति का करण, मतलब साधन, अनुमान को कहा गया है। ओके, देन नेक्स्ट, अनुमिति परामर्श जन्य ज्ञानम अनुमिति। परामर्श से जो उत्पन्न होता है उसे अनुमिति कहा गया है। देखो, पुनः आपको एक बार ये पढ़ना है कि परामर्श से जो जो उत्पन्न होगा उसे हम अनुमिति कहेंगे। अब परामर्श क्या है? व्याप्ति विशिष्ट पक्ष धर्मता ज्ञानम परामर्श, मतलब व्याप्ति से जो युक्त पक्ष धर्म का ज्ञान होगा उसे परामर्श कहा जाएगा। व्याप्य मतलब क्या, पक्ष धर्मता मतलब क्या, पक्ष मतलब क्या, इसका डिटेल में मैं आपको कुछ देर में लेक्चर के आगे बताऊंगा। आप सिर्फ यहां पर अभी सपक्ष मतलब क्या, पक्ष मतलब क्या, ये मैं सब आपको बताऊंगा, विपक्ष व्याप्ति सब। ओके, आपको उसके पहले ये अनुमान के लिए जो अत्यावश्यक नौ घटक है
ये पहले हम देख लेंगे कि अनुमान के लिए अत्यावश्यक नौ घटक कौन कौन से है। देखो पर्वत, धूम और अग्नि का उदाहरण आपको ध्यान में रखना है अनुमान सीखते वक्त। जहां जहां पे धूम है यत्र यत्र धूम तत्र तत्र अग्नि, मतलब जहां जहां पे धूम है वहां अग्नि होगा, ऐसा एक सूत्र आपको ध्यान में रखना है। देखो दोस्तों अभी यहां पे आपको थोड़ा क्लियर हो जाएगा कि किसको पक्ष कहना है, किसको हेतु कहना है, किसको साध्य कहना है, किसको सपक्ष कहना है, किसको विपक्ष कहना है, समझे, और किसको साध्य कहना है। ये जो नौ घटक है आपको एक एक देखने हैं। देखो सबसे पहले आप पक्ष के बारे में जान लो। अभी हमें ये सेंटेंस है यत्र यत्र धूम तत्र तत्र अग्नि। अभी देखो सेंटेंस ऐसा है, पर्वत पे हमें धूम दिख रहा है, इसलिए हम अनुमान लगा सकते हैं कि पर्वत के पीछे कहीं तो भी अग्नि है। ओके, अभी इसमें सबसे पहले आएगा पक्ष। पक्ष मतलब क्या, ये अग्नि है, ये हमें सिद्ध करना है कि जगह कौन सी है, तो है पर्वत, इसलिए पर्वत हो गया यहां पे पक्ष। मतलब हमको जो सिद्ध करना होता है उसकी जो जगह होगी उसे हम कहेंगे पक्ष। अभी हेतु, हम जो सिद्ध करना चाहते हैं उसके लिए जो साधन हम बताएंगे, जिसके मदद से हम सिद्ध करेंगे, हम पर्वत पे सिद्ध करेंगे वो पक्ष हो गया, हमें अग्नि है ये सिद्ध करना है, लेकिन किसकी मदद से, धूम की वजह से, इसलिए धूम क्या हो गया, हेतु हो गया। अभी क्या सिद्ध करना है हमें, हमारा साध्य क्या है, तो अग्नि है ये हमें साध्य करना था। सपक्ष मतलब जहां निश्चित साध्य उपस्थित होता है, क्या होता है, अग्नि का वहां पे हम यज्ञ बोल सकते हैं कि यहां पे ये होता ही है, समझे। अगर सपक्ष जहां निश्चित साध्य उपस्थित होता है, जैसे कि अपना किचन, किचन में देखो अगर धूम आ रहा है मतलब वहां पे अग्नि है, इसलिए वहां पे धूम था, इसलिए पर्वत पे अगर धूम दिख रहा है तो वहां पे अग्नि है, जहां पे हम सिद्ध करेंगे वो हो गया पक्ष, जिसके मदद से सिद्ध करेंगे वो हो गया धूम, जिसको सिद्ध करेंगे वो हो गया अग्नि। सपक्ष मतलब उसके समान हम अगर जो उदाहरण देते हैं उसे कहते हैं सपक्ष। नेक्स्ट है विपक्ष। विपक्ष मतलब जहां पे ये दोनों रह ही नहीं सकते, जहां पे साध्य का अभाव होगा, ऐसा क्या है, सरोवर, सरोवर में धूम और अग्नि रह सकते हैं क्या पानी रहने के बाद, नहीं रहेंगे। ओके, उसके बाद है पक्ष धर्मता, मतलब जो व्याप्य है दूर धूम, उसका पर्वत पे रहना, ओके, दूर का पर्वत पे रहना, इसे क्या कहेंगे, पक्ष धर्मता कहेंगे। हेतु और साध्य, मतलब हमारा हेतु क्या था, क्या था हमारा हेतु, देखो ऊपर नोट्स में आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, हमारा हेतु था धूम। हेतु का साध्य पे जो संबंध रहेगा, मतलब धूम और अग्नि का, उसे कहेंगे हम व्याप्ति। देखो सात हमारे हो गए, क्या हो गए, हेतु हो गया, पक्ष हो गया, साध्य हो गया, सपक्ष हो गया, विपक्ष हो गया, पक्ष धर्मता हो गया। अभी हमारे बचे हैं नौ घटक में से दो घटक, कौन कौन से, परामर्श और अनुमिति। परामर्श मतलब व्याप्ति सहित पक्ष धर्मता का ज्ञान, उसे ही हम कहेंगे, क्या कहेंगे, उसे ही हम परामर्श कहेंगे। मतलब धूर और अग्नि का एक साथ जो रहना है उसे हम परामर्श कहते हैं। और अनुमिति मतलब जो अनुमान के साथ हमें ज्ञान हुआ है, अनुमान प्रमाण के साथ जो ज्ञान आता है उसे हम अनुमिति कहते हैं। क्या ज्ञान आया हमें यहाँ पे, उपरोक्त परामर्श से क्या आया, पर्वत अग्निमान है, क्योंकि पर्वत पे हमें धूम दिख रहा था, इसलिए पक्ष हमें पर्वत पता चला, हेतु हमारा धूम था, साध्य हमारा अग्नि था। सपक्ष मतलब जहां पे सेम चीज हमें मिलेगी, जैसे कि स्वयं पाक घर, किचन, रसोई घर। विपक्ष जहां पे साध्य का निश्चित तरीके से अभाव रहेगा, जो कि मैंने सरोवर बताया। पक्ष धर्मता, व्याप्ति, परामर्श और अनुमिति, ये आपने अभी अच्छी तरह से देख लिया। अब इसके बाद हम अनुमान के प्रकार देखेंगे। अनुमान प्रमाण में हम अनुमान के अब प्रकार देखेंगे। देखो अगर आपको एग्जाम में पूछा जाता है कि अनुमान के कितने प्रकार है, तो सबसे पहले सोचना है किसकी अनुसार पूछा गया है, चरक के अनुसार, न्याय दर्शन के अनुसार या तर्क के अनुसार।
अगर आपको पूछा जाता है चरक के अनुसार, आपका आंसर तीन है। न्याय दर्शन के अनुसार आपका आंसर तीन है, लेकिन तर्क के अनुसार दो है। दो तीन दोन, दो तीन दोन, मतलब कम किसके है? तर्क वाले के दो है, चरक न्याय के तीन तीन है। समझे? एक बार वापस रिवीजन करेंगे। अनुमान प्रमाण के भेद हम देख रहे हैं, चरकोक्त कितने हो गए? तीन। न्याय दर्शनोक्त तीन, तर्क के दो। कौन कौन से? तर्क के अनुसार स्वार्थानुमान और परार्थानुमान, चरक के अनुसार वर्तमानकालीन, भूतकालीन, भविष्यकालीन, अर्थात तीनों कालों का ज्ञान जहां से होता है उसे हम अनुमान कहते हैं। वही चरक ने बताया कि वर्तमानकालीन, भूतकालीन और भविष्यकालीन। न्याय दर्शनोक्त कहते हैं कि पूर्ववत। चरक और न्याय दर्शन का यहाँ पे बहुत सारे सेम है। वर्तमानकालीन मतलब सामान्य तो दृष्ट, भूतकालीन मतलब शेषवत, भविष्यकालीन मतलब पूर्ववत। जैसे कि वर्तमानकालीन का मैं आपको एग्जाम्पल दे सकता हूं कि धूर, जो धूम है उससे अग्नि का ज्ञान जो होता है वो वर्तमानकालीन हो गया। गर्भ दर्शन से मैथुन का अनुमान आप लगाते हो वो भूतकालीन हो गया। और बी देख के, जो बीज होता है खेत में उससे आप फल कैसा होगा इसका अनुमान लगाते हैं तो ये भविष्यकालीन हो गया। समझे? वर्तमान जो वर्तमान में है, प्रेजेंट टेंस। कौन सा? धूर देख के हम, धूम देख के हम समझ रहे कि वहां पे अग्नि, ये हो गया वर्तमानकालीन। जो प्रेगनेंसी, इसके अनुसार हम बोलेंगे कि इनमें मैथुन हो गया है, इसको हम बोलेंगे भूतकालीन। और जो बीज होता है उसको देख के हम अगर फल का अनुमान लगाते हैं तो हम उसे भविष्यकालीन कहेंगे। समझे? वही पूर्ववत, अगर आप बादल देख के बारिश आने वाली है ऐसा कहते हो तो उसे हम कहेंगे पूर्ववत। गर्भ देख के मैथुन का अनुमान लगाते हैं उसे कहेंगे हम शेषवत। और सामान्य तो दृष्ट, इसे हम कहेंगे कि धूम देख के ही अग्नि का अनुमान होता है। समझे? चरक और न्याय दर्शन के सेम सेम है। और यहाँ पे जो है ना, वर्तमान और सामान्य तो दृष्ट सेम है, भूतकाल और शेषवत सेम है, भविष्यकाल और पूर्ववत सेम है। समझ में आ रहा है कि चरक और न्याय दर्शन के जो सेम सेम कौन कौन से हैं? भूतकालीन मतलब शेषवत, भविष्यकालीन मतलब पूर्ववत, और वर्तमानकालीन मतलब सामान्य तो दृष्ट। अभी स्वार्थानुमान और परार्थानुमान। अभी जो अनुमान आदमी खुद देख के लगा लेता है, मतलब जिसने किसी ने किचन में देख लिया कि यहाँ पे धूम है और अग्नि इसलिए है, वैसा ही अगर उसे पर्वत पे धूम दिखता है तो वो कहेगा कि ये अग्नि भी पर्वत पे होना ही है, तो उसे हम कहेंगे स्वार्थ अनुमान। मतलब व्यक्ति स्वसंशय के निवृत्ति के लिए जो अनुमान लगाएगा उसे हम स्वार्थानुमान कहेंगे। और जो व्यक्ति खुद को अनुमान होने के बाद दूसरों को समझना चाहिए इसलिए पंचावयव के सहाय से अनुमान लगाने की कोशिश करेगा उसे हम परार्थ अनुमान कहेंगे। समझ में आ गया? हमने चरक न्याय के अनुसार एक 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 देख लिया था। ओके, जो मैंने आपको बताया था वर्तमानकालीन मतलब सामान्य तो दृष्ट, भूतकालीन मतलब शेषवत, भविष्यकालीन मतलब पूर्ववत, चरकोक्त अनुमान के प्रमाण हमने देख लिए थे, एक एक का हमने एग्जाम्पल यहाँ पे देख लिया था, ये एग्जाम्पल आपके सामने है, सबको हमने क्या किया था? समझ लिया है। अभी स्वार्थानुमान और परार्थानुमान का हमने क्या किया? मीनिंग समझ लिया। अभी उसका पंचावयव का वर्णन हम देखेंगे। पंचावयव का वर्णन आपको रिसर्च एंड स्टैट में भी आता है, जहाँ पे प्रतिज्ञा होगी, हेतु होगा, उदाहरण दिया गया होगा, उसका उपनय होगा, और जो निगमन मतलब जो फाइनल आपका आएगा अनुमान उसे निगमन कहेंगे, निष्कर्ष को ही। ओके, अभी सबसे पहले प्रतिज्ञा। प्रतिज्ञा मतलब क्या? जो वचन हमें साध्य करना है। हमारा साध्य क्या है? तो हमें साध्य ये करना है कि पर्वत वन्यमान है, पर्वत पे अग्नि है, ये सेंटेंस हमारा क्या हो गया? प्रतिज्ञा हो गया। क्यों? क्योंकि हमें ये साध्य करना था। ओके, किसकी सहायता से करना है उसे हम हेतु कहेंगे। किसकी सहायता से?
वह के धूम की सहायता से हम समझेंगे कि वो अग्निमान है। कैसे? तो इस धूम को हम क्या कहेंगे? हेतु। समझे? प्रतिज्ञा क्या है जो हमें साध्य करना है, मतलब पर्वत अग्निमान है, ये हमारा क्या हो गया? प्रतिज्ञा हो गई। धूम ये क्या हो गया हमारा? धूमत्वाद इति हेतु, जो धूम है ये हमारा हेतु हो गया। अभी दृष्टांत क्या है हमारा? देखो, जो जो धूमवान होता है वह अग्निमान है, मतलब जैसे कि रसोई घर, इसलिए हमारा वो क्या हुआ है? क्या हो गया वो दृष्टांत, जिसे हम क्या कहेंगे? उदाहरण भी कह सकते हैं। उपनय मतलब देखो, तथा च अयम इति उपनय, जैसा स्वयंपाक घर में धूम था इसलिए अग्नि है, वैसा पर्वत में भी धूम की वजह से अग्नि होगा। ये जो हमने रिलेशन लगाया, मतलब उदाहरण के अनुसार साध्य का जो समर्थन किया, उसे हम कहेंगे उपनय। और निगमन यानी कि जो निष्कर्ष निकाला है, इससे जो निष्कर्ष निकलता है, क्या निष्कर्ष निकलता है? कि पर्वत अग्निमान है, पर्वत के ऊपर अग्नि है, ये उपरोक्त चार अवयवों के आधार पर निष्कर्ष निकाला। कौन कौन से चार अवयव? प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण अर्थात दृष्टांत, उपनय, इसके सहाय से हमने निकाला निगमन। समझे? आपको स्वार्थानुमान परार्थ अनुमान ध्यान में आ गया? स्वार्थ और परार्थ में हम परार्थ के बाद क्या देखे थे? पंचावयव देखे थे, जो रिसर्च में भी आपको है। अभी हम देखने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक, लिंग परामर्श। लिंग परामर्श करना ही अनुमान होता है। स्वार्थ अनुमिति और परार्थ अनुमिति दोनों का जो साधन होगा वो लिंग परामर्श है। अभी इस लिंग के जो हेतु कारण साधन हम लिंग को कह सकते हैं, जो कि आप निदान में पढ़े हो, हेतु लिंग औषध, हेतु लिंग औषध, लिंग को ही हेतु कारण और साध्य कहा गया, साधन कहा गया है। स्वार्थ अनुमिति और परार्थ अनुमिति दोनों का जो कारण होता है वो लिंग परामर्श होता है। जैसा कि व्यापक अग्नि और व्याप्य धूम, इनका साहचर्य खुद हम बार बार देखते हैं, तो लिंग परामर्श हमें समझ में आता है। जहाँ जहाँ पे धूम रहेगा वहाँ वहाँ पे अग्नि रहता है, ये जो साहचर्य नियम है ये हमें समझता है, इसे भी हम लिंग परामर्श कह सकते हैं। अभी लिंग परामर्श के तीन प्रकार हो गए, एक केवल अन्वयी हेतु, केवल व्यतिरेकी हेतु, अन्वय व्यतिरेकी हेतु। ओके, अभी केवल अन्वयी हेतु, ये जो पहला आपको मैं समझ के यहाँ पे इसके अलग अलग एग्जाम्पल से बताता हूँ। जो हेतु या लिंग केवल अन्वय व्याप्ति में साध्य का साधक रहेगा, उसे केवल अन्वयी हेतु ऐसा कहेंगे। अभी लक्षणों के आधार पर हेतु के कितने प्रकार गिरते हैं ये हम देखेंगे। इसको केवल आपको तीन प्रकार ध्यान में रखने हैं, इसको ज़्यादा डिटेल में आपको नहीं देखना है। आपको अगर एग्जाम में पूछा जाता है कि हेतु लिंग के प्रकार कितने हैं, तो केवल अन्वयी हेतु, केवल व्यतिरेक हेतु और अन्वय व्यतिरेक हेतु आपको लिखते आना चाहिए। ओके, देन नेक्स्ट, लक्षणों के आधार पर हेतु के प्रकार कितने होते हैं? सद हेतु और अहेतु, और अहेतु में सव्यभिचारी, विरुद्ध, सत प्रतिपक्ष, असिद्ध, बाधित। अभी उसमें सव्यभिचार में साधारण, असाधारण, अनुपसंहारी, असिद्ध में आश्रय असिद्ध, स्वरूप असिद्ध और व्याप्यत्व असिद्ध। देखो, आपको इम्पोर्टेंट यहाँ पे एमसीक्यू के प्रकार की लक्षणों के आधार पर हेतु के कितने प्रकार है, तो दो प्रकार मुख्य है, सद हेतु और असद हेतु अर्थात हेतुवाभास। अभी फिर पुनः अहेतु, असद हेतु या हेतुवाभास के कितने प्रकार गिरते हैं? पांच प्रकार। कौन कौन से? सत्याभिचारी, विरुद्ध, सत प्रतिपक्ष, असिद्ध और बाधित। सत्याभिचारी के और तीन गिरते हैं, साधारण, असाधारण, अनुपसंहारी, और असिद्ध के तीन आते हैं, आश्रय असिद्ध, स्वरूप असिद्ध और व्यापत्व असिद्ध। आपको ये चार्ट अच्छे तरीके से अपने दीवार पे चिपकाना है, बार बार पढ़ना है। सद हेतु, असद हेतु, असद हेतु के पुनः प्रकार पांच, सद्व्यापचारी के वापस तीन, असिद्ध के वापस तीन। इसके बाद सद हेतु किसे कहा जाएगा? सही अनुमान की तरह जो सही अनुमान लगाएगा, जो हेतु सही अनुमान लगाएगा, उसे सद हेतु अर्थात सही हेतु कहा जाएगा। ये सद हेतु कहने के लिए जो पांच उसमें लक्षण होने जरूरी है वो कौन कौन से है? पक्षे सत्वम,
सपक्षे सत्वम, विपक्षे असत्वम, असत प्रतिपक्षत्वम, अबाधितत्वम। मतलब पक्ष में हेतु का उपस्थित होना। सद हेतु मतलब जिस हेतु की मदद से हम अनुमान लगाएंगे, सही अनुमान लगाएंगे, उसे हम सद हेतु कहते हैं। सद हेतु में 5 लक्षण होने जरूरी होते हैं। उससे सबसे पहला लक्षण होता है पक्षे सत्वम, मतलब पक्ष का हेतु में उपस्थित, जो पक्ष होता है उसमें हेतु उपस्थित होना। जैसे कि पर्वत पे धूम की उपस्थिति होना, सबसे पहले तो वो पक्ष पक्ष के ऊपर रहना चाहिए। जो हेतु है वो पक्ष के ऊपर चाहिए। पक्ष हमारा पर्वत था, पर्वत के ऊपर धूम चाहिए। सपक्षे सत्वम मतलब क्या, उसकी उपस्थिति सपक्ष में भी होनी चाहिए। सपक्ष क्या था हमारा, सपक्ष था हमारा किचन, रसोई घर, स्वयंपाक घर। उस धूम की उपस्थिति स्वयंपाक घर में भी है। ओके, विपक्षे असत्वम, जैसा कि वो विपक्ष में कभी भी उपस्थित नहीं होना चाहिए। जलाशय में कभी धूम रहेगा क्या? नहीं। इसलिए विपक्षे असत्वम, इसे प्रतिपक्ष नहीं होना चाहिए। ऐसा हेतु जिसे प्रतिपक्ष नहीं है। और अबाधितत्वम, जिस हेतु द्वारा साध्य की सिद्धि करनी है उस हेतु प्रत्यक्षादि प्रमाणों से बाधित नहीं होना चाहिए। 5 यहां पे लक्षण आपके समझ में आ गए, पक्षे सत्वम, सपक्षे सत्वम, विपक्षे असत्वम, असत प्रतिपक्षत्वम और अबाधितत्वम। समझ में आ गया? उपरोक्त 5 लक्षणों से एक भी लक्षण का अभाव होना, सद हेतु को हम क्या कहेंगे? फिर हेतुवाभास कहेंगे, असद हेतु कहेंगे। ये 5 लक्षण जिसमें है वो हो गया, क्या हो गया? सद हेतु हो गया। और अगर उसमें ये नहीं है, क्या नहीं है, ये 5 लक्षणों में से एक भी नहीं है, तो क्या होगा? हेत्वाभास या असद हेतु। सत्य अविचारी हेत्वाभास को ही अनेकांतिक हेत्वाभास कहते हैं। क्या कहते हैं उसको ही? अनेकांत हेत्वाभास कहते हैं। ये MCQ आपको आ सकता है कि सत्य अविचारी हेत्वाभास को ही क्या कहा जाता है, अथवा अनेकांतिक हेत्वाभास किसे कहा जाता है? तो सत्य अविचारी हेत्वाभास को ही कहा जाता है, जिसके वापस 3 प्रकार है। कौन कौन से? साधारण, असाधारण और अनुपसंहारी। देखो ये चार्ट इंपॉर्टेंट है आपके सिलेबस के लिए। ये चार्ट आपको पुनः पुनः एक बार देखना है। इस चार्ट के ऊपर आपको MCQ आ सकते हैं कि लक्षणों के आधार पर हेतु के कितने प्रकार होते हैं। तर्क के अनुसार सद हेतु, अहेतु, अहेतु के पुनः 5 प्रकार, सत्याभिचारी के पुनः 3 प्रकार और असिद्ध के आपको 5 प्रकार। इसके ऊपर आपको बार बार MCQ पूछे जा सकते हैं। अनेकांतिक हेत्वाभास किसे कहा गया है, ये भी आपको पूछा जा सकता है। इसके बाद हम अनुमान प्रमाण का आयुर्वेद में क्या महत्व है इसके देखेंगे, और इसमें जो एक्स्ट्रा के एडिशनल पॉइंट है इसके भी आप देखेंगे। अनुमान प्रमाण का महत्व बताते हुए एक सूत्र आया है, प्रत्यक्ष ही अल्पम अनल्पम अप्रत्यक्षम अस्ति यद आगम अनुमानम युक्ति भी उपलब्धते। मतलब ये सूत्र है कि प्रत्यक्ष ज्ञान जो होता है अल्प होता है, मात्र अप्रत्यक्ष ज्ञान की सीमा अधिक होती है। जिसका ज्ञान आगम आप्तोपदेश अनुमान प्रमाण और युक्ति प्रमाण से मिलता है। मतलब जो प्रत्यक्ष ज्ञान है ये बहुत कम है, लेकिन अप्रत्यक्ष ज्ञान बहुत ज्यादा है जो हमें आप्तोपदेश अनुमान और युक्ति से मिलेगा। इसलिए अनुमान प्रमाण की ये श्रेष्ठता बताई गई है। अनुमान ज्ञेय भाव जो है यहाँ पे हम अभी देखेंगे। पहला है अग्नि जरन शक्त्या, मतलब जाठर अग्नि का जो परिचय अनुमान आपको लगाना है वो आप किससे लगा सकते हैं? पचन से। मतलब अपना जो पचन कितना है उसकी अनुमान लगा के आप कह सकेंगे कि इसकी जो अग्नि होगी जाठर अग्नि कैसी होगी। व्यायाम से, ये कितना व्यायाम कर सकता है इससे आपको समझेगा उसका बल कैसा है। विज्ञानम व्यवसायेन, विशेष ज्ञान का जो अनुमान है उसके व्यवसाय से हमें पता चलेगा। ओके, उसकी स्मरण शक्ति कैसी है इससे हमें उसके स्मृति का जो है वो अनुमान लगा सकते हैं। श्रोत्र आदि ज्ञानेन्द्रिय का अनुमान हम शब्द आदि विषय की ग्रहण से समझ सकते हैं। अगर उसकी टेस्ट, उसको रस ग्रहण अच्छे तरीके से हो रहा तो उसके जिह्वा का, रसनेन्द्रिय का ज्ञान कैसा है, घ्राणेन्द्रिय का ज्ञान कैसा है, चक्षुरेन्द्रिय का ज्ञान कैसा है, ये कैसे हम समझ सकते हैं? तो उसके अर्थ ग्रहण से समझ सकते हैं। ओके, आयुष्य क्षयम आरिष्टे, मतलब आयुक्षिण का
आयुक्षीणता जो होती है उसका अनुमान हम कैसे समझेंगे, उसके अरिष्ट या मृत्यु सूचक लक्षणों में से समझेंगे। गुणलिंग व्याधि उपशय अनुपशयाभ्याम, गुण लक्षणयुक्त व्याधि का अनुमान हम उसके उपशय और अनुपशय से समझेंगे। क्रोध का अनुमान हम उसके विद्रोह से समझ पाएंगे। संज्ञा का शुद्धि का अनुमान हम नाम ग्रहण से समझ पाएंगे। अविज्ञान का अनुमान हम मोह से लगा पाएंगे। इस तरीके से उसके दैन्य के से हम शोक का अनुमान लगा सकेंगे। इस तरीके से ये अनुमान के एमसीक्यू जो आपको वन लाइनर आ सकते हैं, जो मैंने आपको बताया अभी कि क्या क्या था, सबसे पहले था अग्नि जरन शक्त्या परिषेत अनुमान गेय भाव, ये जो अनुमान गेय भाव है चरक के विमान स्थान में आए हुए, ये आपको बहुत ज़्यादा बार पढ़ने, क्योंकि वन लाइनर है, वन लाइनर पे एमसीक्यू बहुत बार पूछे जाते हैं। इसको आप अच्छे तरीके से देख लो, कुछ डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में लिखो। आपको बहुत सारी शुभकामनाएं, थैंक यू।